प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निवास राजधानी रायपुर में, ये हम सभी जानते भी और सभी ने ये सुना भी है, लेकिन धमतरी में भी उनका एक निवास है और ये बात अब इंटरनेट पर एक तरीके से वायरल हो रही है। लोग इसे ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, क्योंकि धमतरी जिले के गांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर एक निवास है। ये निवास इंटरनेट पर छाया हुआ है। राज्य शासन के कर्ज माफी योजना के तहत ग्राम पंचायत भोयना के किसान बलराम देवांगन के 5 लाख रुपए का जब कर्ज माफ हुआ तो इस राशि से किसान ने अपने घर बनाने में इस राशि को लगाया। वहीं अपने निर्माणाधीन मकान का नाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर वो रखना चाहते थे, लेकिन कोरोना काल के दौरान उनकी मौत हो गई। ऐसे में उनकी जो अंतिम इच्छा थी वो अधूरी रह गई थी। मृतक के भाई अशोक कुमार देवांगन और परिवार के अन्य सदस्यों ने अपने भाई की इच्छा को पूरा करने का निर्णय लिया और 3 कमरे के अधूरे मकान का निर्माण पूरा कराया गया और अपने भाई की इच्छा के मुताबिक घर का नाम भूपेश बघेल निवास कर दिया गया। इस मकान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक भी ये पहुंचा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो को ट्वीट किया और अशोक देवांगन के प्रति आभार व्यक्त किया। उनके मृत भाई स्वर्गीय बलराम देवांगन को श्रद्धांजलि अर्पित की। भूपेश बघेल की सरकार जब आई तब वो कर्जा माफ हो, तब मोर बड़े भाई की सोच बनी कि ये कर्जा माफ हो से पैसा के में भवन बनाऊ और 3 कमरा बनाऊ, ऐसे सोच बनी और 3 कमरा बनाई।